दोस्तों आईपीएल 2023 के ऑक्शन में बेन स्टोक्स, रविंद्र जडेजा समेत काफी सारे स्टार प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पांच काफी बड़े दिग्गज प्लेयर्स की लिस्ट बताएंगे और उनकी नई आईपीएल टीमों के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन पांच काफी बड़े प्लेयर्स का नाम और उनकी नई आईपीएल टीमों के बारे में बता देते हैं। तो इस लिस्ट के पहले बड़े प्लेयर है बेन स्टोक्स और बेन स्टोक्स आईपीएल 2023 के ऑक्शन का पार्ट बनेंगे और इस प्लेयर के ऊपर ऑक्शन में राजस्थान, पंजाब और बेंगलोर की टीम टारगेट करेगी, जहां पर राजस्थान को मिडिल ऑर्डर में ऑलराउंडर की तलाश है, तो इस वजह से ये टीम स्टोक्स को परचेज करना चाहेगी। वहीं पंजाब किंग्स की टीम बेन स्टोक्स को परचेज करके अपने टीम का नया कप्तान बनाना चाहती है। वहीं बेंगलोर की टीम बेन स्टोक्स को परचेज करके मिडिल ऑर्डर को मजबूत करना चाहती है, तो इस वजह से ऑक्शन में स्टोक्स के ऊपर राजस्थान, पंजाब और बेंगलोर की टीमें मुख्य रूप से बोली लगाएगी और मुंबई की टीम भी इस प्लेयर को टारगेट कर सकती है। इसके बाद दूसरे बड़े प्लेयर है सैम करन और सैम करन को ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टारगेट करेगी, जहां पर चेन्नई की टीम अपने इस प्लेयर को वापस से अपने स्क्वाड में लेना चाहती है और सैम करन के आने से चेन्नई का बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद इस लिस्ट के तीसरे काफी बड़े प्लेयर है सुरेश रैना और सुरेश रैना आईपीएल 2023 के ऑक्शन का पार्ट बनेंगे, जहां पर रैना को गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट दोनों ही टीमें ऑक्शन में टारगेट करेगी और गुजरात की टीम इस प्लेयर को इसलिए भी परचेज करना चाहती है क्योंकि नंबर तीन पर गुजरात टाइटंस को एक्सपीरियंस वाले प्लेयर की तलाश है, तो इस वजह से रैना को गुजरात टाइटंस की टीम ऑक्शन में परचेज करने का पूरा प्रयास करेगी। वहीं लखनऊ की टीम को भी नंबर तीन पर बेहतरीन प्लेयर की तलाश है, तो इस वजह से रैना को ये टीम खरीद सकती है और वैसे भी सुरेश रैना लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो काफी हाईली चांस है कि रैना को गुजरात या फिर लखनऊ की टीम अपने स्क्वाड में परचेज कर ले। इसके बाद इस लिस्ट के चौथे काफी बड़े प्लेयर है रविंद्र जडेजा और काफी सारे क्रिकेट रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया है कि रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के द्वारा रिलीज कर दिए जाएंगे क्योंकि जडेजा का चेन्नई के मैनेजमेंट के साथ झगड़ा हो चुका है, तो इस वजह से जडेजा 2023 में आईपीएल ऑक्शन का पार्ट बनेंगे और इस प्लेयर को गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस जैसी टीमें टारगेट कर सकती है और आरसीबी की टीम भी जडेजा को टारगेट करेगी क्योंकि अगर जडेजा आरसीबी में आते हैं तो ये टीम शहबाज अहमद को हटा करके जडेजा को प्लेइंग 11 में इंक्लूड कर लेगी। वहीं गुजरात की टीम की तरफ से जडेजा खुद भी खेलना चाहते हैं और गुजरात टाइटंस की टीम इस प्लेयर को परचेज करने के लिए अच्छा खासा पर्स बैलेंस खर्च करेगी। तो आपके हिसाब से रविंद्र जडेजा को आईपीएल 2023 में कौन सी टीम की तरफ से खेलना चाहिए, उस टीम का नाम कमेंट में जोड़ बताएं। इसके बाद इस लिस्ट के पांचवे काफी बड़े प्लेयर है कैरन पोलार्ड और कैरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस से रिलीज होने के बाद आईपीएल 2023 के ऑक्शन का पार्ट बनते हुए नजर आएंगे, जहां पर कैरन पोलार्ड को ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स की टीम टारगेट कर सकती है क्योंकि इन तीनों ही टीमों को मिडिल ऑर्डर में एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की तलाश है और पोलार्ड बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो इस वजह से पोलार्ड को ये तीनों टीमें परचेज करना चाहेगी। लेकिन आईपीएल 2023 के ऑक्शन में काफी हाईली चांस है कि कैरन पोलार्ड कम दामों में ही बिक जाए क्योंकि पोलार्ड का परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। तो आपके हिसाब से आईपीएल 2023 के ऑक्शन में आपकी फेवरेट टीम को कौन कौन से प्लेयर्स को परचेज करना चाहिए, आप उन सभी प्लेयर्स का नाम कमेंट में जोड़ बताएं और साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताएं कि आईपीएल 2023 के ऑक्शन में कौन सा प्लेयर सबसे महंगा बिकेगा, आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर सबसे महंगा बिक सकता है, उस प्लेयर का नाम भी कमेंट में जोड़ बताएं। तो यही था आईपीएल 2023 के लिए पांच बड़े प्लेयर्स की लिस्ट और उनकी प्रेडिक्टेड नई टीमें। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब
करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।